चलो अब कक्षा 10वीं के विषय गणित के असाइनमेंट 4 के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, ए बी से एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब है बी सी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं। तो लंब कितना है देखो, तो प्रश्न में लंब है ए डी, लंब दिया हुआ है कितने के, बी सी के, ठीक है बी सी के लंब है। अब यहाँ पे त्रिभुज देखो, ठीक है त्रिभुज देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज ए और डी दो अलग अलग हिस्सों में, दो भागों में बांट रहा है। तो पहला हिस्सा हम देख लेते हैं, त्रिभुज ए बी और डी। आप चित्र देखो, ए बी डी को देखते हैं, तो ए बी डी में देखो तो ए डी बी या फिर ए बी डी, ठीक है तो ए डी बी त्रिभुज को देख लेते हैं। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में नियम क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ये लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे सूत्र में जो लिखा हुआ, ठीक है इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो कर्ण क्या है, तो कौन सी भुजा कर्ण कहलाएगी, यहाँ पे ए बी, ए बी जो है वो कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, इसका वर्ग हो जाता है, तो इस भुजा के वर्ग हो गया। इसके बाद देखो लंब कौन है, ए और डी लंब है, इसका भी वर्ग कर दो, प्लस कर देंगे किसके साथ, आधार के साथ, आधार देखो कौन है बी और डी है, इसके साथ भी वर्ग कर दिए। तो ये रहा पहला समीकरण बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज हो गया, अब जो दूसरा त्रिभुज है, ठीक है उसके लिए भी बनाएंगे। देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पे ए डी सी, ए डी सी त्रिभुज को देखेंगे इस बार। तो ए डी सी त्रिभुज में देखो कर्ण कौन है, ए सी है, ए सी इसका हम वर्ग कर देंगे। फिर ए डी क्या है, लंब है, बराबर के बाद लिखेंगे ए डी लंब है इसका वर्ग, और डी सी प्लस डी सी इसके साथ प्लस कर देंगे, ये क्या है आधार है। तो देखो कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे देखो वही चीज़ मैंने बता रहा था, ए सी का वर्ग हो गया बराबर ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, पहला समीकरण में दूसरा समीकरण को घटा देंगे। तो पहला समीकरण में क्या था मान, पहला समीकरण में ए बी स्क्वायर था, बराबर दिया हुआ था ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझो कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ घटाएंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, पहला समीकरण में ए बी का वर्ग कर्ण था, तो कर्ण को कर्ण के साथ, और लंब आधार और लंब आधार को लंब आधार के साथ घटाएंगे। तो ए बी का वर्ग कर्ण है और ए सी का वर्ग भी कर्ण है, तो घटा दी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पहले समीकरण से ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये क्या था, लंब और आधार था पहले समीकरण का, तो माइनस करेंगे किसको, दूसरे समीकरण के लंब और आधार को। तो देखो लंब और आधार को माइनस कर दिए, तो जो जो सेम है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का वर्ग ये नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ए डी, ए डी दोनों में है, प्लस माइनस होने के कारण कट गया, बचा है क्या बी डी का वर्ग माइनस डी सी का वर्ग बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो जो माइनस में है ना, जैसे कि डी सी का वर्ग राइट हैंड साइड में देखो डी सी का वर्ग माइनस में है, तो उसको इस पार ले जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए सी का वर्ग है उसको उस साइड ले जाएंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस वाला जो चिन्ह है वो परिवर्तन होके प्लस आ जाएगा एक दूसरे के साइड पे जाने पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे देखो ए बी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग हो गया, ये समझ में आया। तो इसका आंसर क्या सिद्ध हुआ, हमें जो सिद्ध करना था वो था ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग हमें सिद्ध करना था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजाएं बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी हमें सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं। तो देखो आगे हम हल करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है चित्र में, ठीक है चित्र देखो। अब चित्र हमें निर्माण का जैसा वो कहा है उसी हिसाब से चित्र बना है मान लो, ठीक है जो जो प्रश्न में कहा है उसी के हिसाब से सबसे पहले आपने आपको चित्र बनाना होगा। तो ये देखो अब चित्र को देखना है, चित्र में ही सारी चीज़ें जितने भी चीज़ जो चीज़ वो निकालने के लिए वो चित्र के माध्यम से ही हमें हल करते जाना है। तो अब यहाँ पे देखो डी और ई एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है जिसमें से डी और ई क्या है प्रतिच्छेद रेखा है। तो जब ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके समांतर किसके समांतर है, कौन से रेखा के समांतर है, बी सी रेखा समांतर है डी ई के। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डी ई समांतर बी सी, देखो ऊपर में है दिया है कह के डी ई समांतर बी सी। इसके बाद अतः अब यहाँ पे देखो ए और बी, ए बी एक ही रेखा है, एक रेखा को कौन सा बिंदु काट रहा है, डी बिंदु काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए से डी और डी से बी। इसी तरह से बराबर के उस पार ए सी रेखा को कौन सा बिंदु काटा है, ई बिंदु काटा है। तो ये हो जाएगा ए से ई, ई से
सी बन जाएगा। इसे हम कहते हैं आधार समानुपातिक प्रमेय नियम कहते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही समझाया था, ठीक है, मैंने ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये वाला टॉपिक के बारे में मैंने बताया था कि ये आधार समानुपातिक प्रमेय नियम है। अर्थात अब आगे आते हैं, अर्थात बी डी, ठीक है, फिर से देखते हैं, बी डी अपान ए डी, हम इसे पलट देते हैं, क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो जो ऊपर में मान था वो नीचे और नीचे का मान ऊपर हो जाएगा। तो देखो बी डी जो था नीचे में था तो ऊपर में आ गया, ऊपर में क्या था ए डी था तो नीचे में आ गया। इसी तरह से उस सेकेंड साइड में भी करेंगे, तो ई सी को ऊपर ले जाएंगे अपान ए ई को नीचे ले आएंगे। इसके बाद देखो दोनों में क्या करेंगे, प्लस एक जोड़ देंगे, तो दोनों में हमने एक को हम सिर्फ एक में नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो मुझे एक को उस पार ले जाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा, एक और एक जीरो हो जाएगा फिर से, इसीलिए दोनों साइड में जोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों पे जोड़ देते हैं। अब लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो ए डी का गुणा किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ, तो ऊपर में देखो बी डी प्लस ए डी बन गया अपान ए डी हो गया। इसी तरह से देखो ए ई का गुणा एक के साथ होगा, तो ई सी तो पहले से था प्लस ए ई हो गया अपान ए ई आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी जो है वो एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा, कौन से रेखा, ए बी रेखा पर है, ठीक है। एक ही रेखा को दो भागों में बांटता था, कौन सा, ए डी और बी डी बांटता था, ठीक है, दो भागों में, लेकिन ये दोनों एक ही रेखा में, ए बी रेखा में, तो हम क्या रखेंगे इसके स्थान पर ए बी लिख देंगे। इसी तरह से देखो ई सी प्लस ए ई, ये दोनों ए सी रेखा पर है, तो क्या लिखेंगे, ए सी लिख देंगे। तो देखो शॉर्ट हो गया इसका। अब देखो ए बी अपान ए डी, ए सी अपान ए ई, और हमें ज्ञात क्या करना था, अब इसका हम फिर से क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, तो ए डी क्या होगा, ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया, फिर यहाँ भी देखो ए ई ऊपर चला गया और ए ई नीचे आ गया, तो इस तरह से सिद्ध हो गया। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक, समझ में आ गई ये। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो चलो इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको चित्र देखना है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र के अंदर में आपको एक आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज को देखो यहाँ पे ए ओ बी एक त्रिभुज है। अगर इसे हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ए ओ सी और बी ओ सी दिखाई दे रहा है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। चलो अब आगे इसको भी हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, माना वृत्त का केंद्र बिंदु ओ तथा एक जीवा ए भी है। ये तो स्वाभाविक बात है ना, आपको पता है कि कौन सा केंद्र बिंदु, ओ को आप केंद्र बिंदु मानते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है हमें। माना कि वृत्त का केंद्र ओ है तथा एक जीवा ए भी है, जीवा देखो ए से बी की दूरी जो है वो जीवा है, ठीक है, तब ए बी बराबर, ए बी का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है, कितना लेना है हमें, ए बी का मान 8 सेंटीमीटर लिखना है। तब ओ सी लंब है ए बी के, ओ सी लंब किसके हैं, ए बी के लंब है। इसके बाद ओ सी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया है, ये पूरा प्रश्न में लिखा है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या लिखना है, 3 सेंटीमीटर इसका मान लिखना है। चलो आगे देखते हैं इसके बाद। इसके बाद देखो यहाँ पे ए बी बराबर, ठीक है, ए बी का जो मान है वो होता है 2 AC के मान के बराबर होता है, ठीक है, 2 × AC। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अब इनके मानों को रख देते हैं, तो हमें ए सी का मान निकालना है, तो ए बी का मान कितना है, 8 है, ठीक है, तो ए बी का मान हम 8 रखते हैं, 2 को तिरिया गुणा करके नीचे लाते हैं तो 8/2 हो जाएगा, तो ए सी का मान कितना होगा, 8/2 बराबर, जब भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर बचेगा। इसी तरह से देखो फिर आगे हल करेंगे, त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ओ ए का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, फिर इसके मानों को रख देते हैं, तो जो ओ सी का वर्ग है, ठीक है, ओ सी का मान 3 था और ए सी का मान अभी हमने 4 निकाला है, तो दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वर्ग वर्ग दोनों हो जाएगा, ठीक है, और ये 9 बन गया, ये 16 बन गया, 25 हो गया। अब ए ओ ए से वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 में लग जाएगा, और 25 जो है वो 5 का, ठीक है, 25 के जो है वो 5 × 5 दो भागों में लिख सकते हैं इसको, तो 5 क्या हो गया, अंडर रूट से बाहर आ गया, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इसका ओ से ए की दूरी प्राप्त हुआ, मतलब त्रिज्या का जो मान है वो क्या है, ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर है। तो तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। चलो चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। चलो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखा है, ज्ञात है वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, सिद्ध करना है हमें कोण ए प्लस कोण सी बराबर बी डी प्लस कोण डी बराबर 180 है। रचना ओ से
ए व सी को मिलाओ, उत्पत्ति। तो यहाँ पे देखो, चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के लिए। अब यहाँ पे देखो, चाप के बाद ऊपर में ए बी सी के ऊपर में देखो एक गोल जैसी आकृति है, ठीक है। ये बता रहा है कि चाप काटना है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसी आकृति दी गई है। इसके बाद देखो नीचे में क्या है, कोण ए ओ सी बराबर 2 गुणित कोण ए डी सी। देखो अब यहाँ पे आते आगे, तथा चाप, फिर से चाप काटा है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ चाप, ठीक है। उसके बाद सी डी ए द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के लिए। फिर यहाँ पे देखो, कोण सी सी ओ ए बराबर 2 कोण ए बी सी, इसको दूसरा समीकरण नाम देते हैं। अतः अब जो ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए सी ओ ए दोनों को हम जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो जो पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे देखो आगे हल करते हैं, 360 + 2 * कोण डी प्लस कोण बी प्राप्त होगा। कोण डी और कोण बी बराबर 180 अंश। चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है, जिनमें से 2 कोणों का मान 180 अंश होगा और 2 कोणों का मान यहाँ पे नहीं दिया है। तो 2 कोणों का मान जो निकालेंगे वो भी कितना आएगा, 180 अंश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक कोण और सी कोण दोनों कोणों का मान 180 अंश है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बाद आते हैं पांचवा प्रश्न में। तो पांचवा प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की रचना कीजिए, जिसमें ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर है। तो पद रचना, रचना के पद भी लिखिए। तो रचना के चरण देखो, तो यहाँ पे पहला है, त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है, जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर है। दूसरा है, रचना कर रहे हैं हम लोग, भुजाएं ए बी व बी सी के लंब लंब समद्विभाजक खींचे, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद तीसरा देखो, रचना करना है हमें, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने उन लोगों को बताया था जिन लोगों का पहल एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम में आया है प्रश्न, ठीक है। गणित का जो प्रश्न है वो पहले एग्जाम में आया है, इसलिए मैं उन लोगों को बताया था, ठीक है। चलो देखते हैं, बिंदु ओ को शीर्ष ए से मिलाओ। इसके बाद देखो, बिंदु ओ को केंद्र मानकर एवं ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे जो शीर्ष ए बी सी से होकर जाता है। इसके बाद पांचवा है, रक्षित वृत्त ओ ओ ए त्रिभुज ए बी सी का अभीष्ट परिवृत्त है। तो इस तरह से पांचों प्रश्नों का मैंने आंसर दे दिया। तो आपके जो गणित के असाइनमेंट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।